तो दोस्तों आईपीएल 2024 की तैयारियों में अब लगभग सभी टीमें जो है लग चुकी है और आईपीएल 2024 में कई बड़े खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनकी टीम बदलने वाली है, जिनमें से पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं जो आईपीएल 2024 में एक नई टीम से खेलने वाले। तो आखिर कौन से वो पांच बड़े खिलाड़ी हैं और किस टीम से आईपीएल 2024 से खेलेंगे, मैं स्टूडियो में आपको वन बाई वन करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए चलो जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट का सबसे पहला जो नाम है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल एक बेहतरीन फास्ट बॉलर है, आईपीएल 2021 के पर्पल कैप होल्डर बने थे लेकिन आईपीएल 2022 और आईपीएल 2023 में इनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था और इनकी जो प्राइस है 10.75 करोड़ रुपीज है। तो ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है हर्षल पटेल को रिलीज करेगी आईपीएल 2024 से पहले और ये आईपीएल 2024 के ऑक्शन का पार्ट बनेंगे। तो इन पर कई टीमें जो है बोली लगाने वाली है, मोस्ट लाइकली कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग और सनराइजर्स हैदराबाद में से कोई एक टीम हर्षल पटेल को खरीद कर अपने टीम में शामिल कर सकती है और आईपीएल 2024 में हर्षल पटेल एक नई टीम से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जबकि दूसरा जो नाम है इस लिस्ट का केएल राहुल का। कई रिपोर्ट ने क्लेम किया कि केएल राहुल को लखनऊ सुपर जायंट जो है रिलीज करने वाली है। तो ऐसे में केएल राहुल आईपीएल 2024 के ऑक्शन का पार्ट बनते हैं। तो इन पर लगभग सभी टीमें जो है बोली लगाने के लिए तैयार रहने वाली है। मोस्ट लाइकली पंजाब किंग जो है वापस इस खिलाड़ी को खरीद कर अपने टीम में शामिल करना चाहेगी। इनके अलावा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी केएल राहुल को आईपीएल 2024 के ऑक्शन में टारगेट करेगी। तो वही चेन्नई सुपर किंग भी आईपीएल 2024 के ऑक्शन में टारगेट करके केएल राहुल को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है और केएल राहुल एक नई टीम से आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं इस लिस्ट का तीसरा जो नाम है लॉकी फर्गसन। लॉकी फर्गसन एक फास्ट बॉलर है, आईपीएल 2023 में ट्रेड विंडो के जरिए गुजरात टाइटन से ट्रेड होकर केकेआर में शामिल हुए थे लेकिन इनका प्रदर्शन उतना अच्छा खासा नहीं रहा और इनकी प्राइस भी काफी ज्यादा हाई है, जिनकी वजह से कोलकाता नाइट जो है लॉकी फर्गसन को रिलीज करेगी और आईपीएल 2024 के ऑक्शन का पार्ट बनेंगे। तो इन पर कई टीमें जो हैं बोली लगाने के लिए तैयार रहेंगी। वहीं इस लिस्ट का चौथा जो नाम है एनरिच नॉर्के। एनरिच नॉर्के जो पिछले कई सालों से दिल्ली कैपिटल के लिए खेल रहे हैं, अब दिल्ली कैपिटल जो है इन्हें रिलीज करते हैं और आईपीएल 2024 के ऑक्शन में पंजाब किंग इन्हें खरीद कर अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। जबकि इस लिस्ट का पांचवा जो नाम है शिवम मावी। शिवम मावी जिनको गुजरात टाइटन ने आईपीएल 2023 के ऑक्शन में खरीदा था लेकिन एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं दिया था, ऐसे में शिवम मावी को गुजरात टाइटन आईपीएल 2024 से पहले रिलीज कर सकती है और ये आईपीएल 2024 के ऑक्शन का पार्ट बनेंगे। तो एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स इनको टारगेट करके अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं और आईपीएल 2024 में शिवम मावी एक नई टीम से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये रहे वो पांच बड़े प्लेयर्स। तो आपको क्या लगता है इनमें से शिवम मावी और केएल राहुल को कौन सी टीम से आईपीएल 2024 से खेलेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों स्टूडेंट बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।